हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ दांतों की समस्याओं में इस्तेमाल किए जाने वाले टूथपेस्ट के बारे में। ये साल्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट एंड ट्रिक्लोसन। इस टूथपेस्ट को प्रमुख रूप से डॉक्टर जो घिसे हुए इनामिल है उनको रिपेयर करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। इनामिल दांतों के ऊपर की परत होती है जिसके घिस जाने से कई तरह की समस्याएँ होती है, जैसे ठंडा गर्म लगना या झंझनाहट होना। इसके अलावा जो पीले दांत है, कैविटी है, पायरिया की समस्या है, तो ऐसी समस्या में भी डॉक्टर इस जेल को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये जेल दांतों की टूट फूट होने से बचाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो प्रभावित हिस्सा है उस पर आपको लगाकर कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर आपको मुँह को अच्छे से धो लेना है, इसे निगलना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहे तो हल्के हाथों से ब्रश भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रश को जोर से नहीं रगड़ना है। इसे आपको कब तक इस्तेमाल करना है ये आपको डॉक्टर बताएंगे। तो अब आखिर में जान लेते हैं कि इस जेल को लगाने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। किसी को एलर्जिक प्रतिक्रिया हो सकती है और ज़्यादा लंबे समय तक यूज करने से दांतों का पिछला हिस्सा काला हो सकता है। कुछ लोगों को दांतों व मसूड़ों में दिक्कत भी हो सकती है। वैसे दोस्तों, ये साइड इफ़ेक्ट हर किसी को नहीं होते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।